के साथ। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की एक प्रेस वार्ता में कहा कि यादव महासभा एक सामाजिक संस्था है जो यादव समाज के साथ साथ सर्व समाज के सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण, राष्ट्र निर्माण व सामाजिक सौहार्द आदि सामाजिक विषयों पर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी सजातीय बंधुओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अतिशीघ्र वैक्सीन लगवाएं, साथ ही प्रदूषण से बचाव व हरित क्रांति के साथ पर्यावरण सुधार के लिए भी यादव महासभा विशेष कार्यक्रम चलाएगी। अशोक यादव ने बताया कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने गाजियाबाद से जनसंपर्क अभियान पिछले हफ्ते शुरू किया है। प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं सम्मान करके। तो समाज क्या करना चाहेंगे? हम इस समय सिर्फ कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, ताकि वैक्सीन लगवाने के लिए सब लोगों को प्रोत्साहित और ज्यादा किया करें। हम लोग जागरूकता अभियान चला रखा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं कि ताकि कोरोना के बचने के लिए लोग एक तो सरकार के दिए हुए सारे नियमों का पालन करें, इसके अतिरिक्त तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोई भी बिना वैक्सीन के नहीं रहना चाहिए पूरे देश में। अगर एक भी व्यक्ति बचेगा तो उसी से फिर दोबारा फैल सकता है, इसीलिए सब लोगों को वैक्सीन लगनी आवश्यक है। सिर्फ वही एक चीज़ है जिससे हमें कोरोना से बचाया जा सकता है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के प्रमुख महासचिव अरुण यादव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त प्रतिभाओं का सामाजिक सम्मान व अभिनंदन आज किया जा रहा है, जिससे सामाजिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अपने लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक करेंगे वैक्सीनेशन के प्रति, पौधारोपण के प्रति, साथ के साथ उनके द्वारा जो कोरोना काल में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समाज की मदद की गई है, सर्व समाज की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान स्मृति चिन्ह के माध्यम से देंगे। प्रेस वार्ता के बाद अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की पराड़कर भवन के सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों के साथ ही सेना में यादव रेजिमेंट के गठन के पुराने मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सच के साथ।